अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू taleemdost.com। हमारा चैप्टर नंबर 15 पार्ट 2 एफएससी का पहला चैप्टर बायोलॉजी के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पहले थोड़ा सा रिकॉल करना होगा कि हम बायोलॉजी में क्या पढ़ के आए हैं और आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी में पार्ट 1 में हमने देखा व्हाट इज बायोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर हमारा था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सेकंड में हमने देखा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद हमने बात की एंजाइम्स की। फिर द चैप्टर द सेल एंड देन वैरायटी ऑफ लाइफ। फिर हमने किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी को देखा कि उनमें कितनी वैरायटी है और उसमें क्या क्या सिनेरियोस पाए जाते हैं। उसके बाद हम बायो एनर्जेटिक्स पे चले गए। यहाँ तक हमने बायोलॉजी को समझने की कोशिश की, हमने बेसिक चीज़ें देखी बायोलॉजी में, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या लेवल्स हैं, क्या क्या डिवीजंस हैं। हमने 5 किंगडम भी पढ़ लिए। चैप्टर नंबर 11 से हमारा एक सिस्टम स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडीज। यानी कि इस स्टडी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडीज इसलिए क्योंकि इस स्टडीज में बेसिकली हम स्टडी करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स को। जैसा कि आपने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये भी एक सिस्टम था। आपने पढ़ा न्यूट्रिशन के हवाले से, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा था। इसके अलावा आपने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि अलहदा से एक सिस्टम है। इसके बाद आपने सर्कुलेटरी सिस्टम की भी डिस्कशन की, और साथ साथ आपने बायो एनर्जेटिक्स यानी कि बॉडी के अंदर एनर्जी में आने वाले चेंजेस की भी डिस्कशन की। तो ये हमने देखे थे तमाम सिस्टम्स। अब इसी पहलू को मद्देनजर रखते हुए इसी एक फिनोमेना के साथ हम आगे चलेंगे, चैप्टर नंबर 15 जो कि आपका पार्ट 1 की बुक का ही कंटिन्यू है। हमने चैप्टर 14 पे क्लोज किया था, अब हम चैप्टर 15 को स्टार्ट ले रहे हैं। तो चैप्टर 15 हमारे बेसिकली पार्ट 1 ही की चैप्टर्स का आगे कॉन्टिन्यूटी है, और पहला जो हमारा चैप्टर है वो भी एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो इस चैप्टर में हम पूरा डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि होमोस्टेसिस होता क्या है, व्हाट इज होमोस्टेसिस। तो होमोस्टेसिस की डेफिनेशन आप इस तरह से करते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, आपके जिस्म के अंदरूनी माहौल की हिफाजत, फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन कहते हैं तब्दीली को, उतार चढ़ाव को, किसी चीज में इजाफा हो रहा है, किसी चीज में कम हो रहा है, तो इस जो फ्लक्चुएशन है उससे, उसके नुकसान से जो बॉडी को बचाया जाता है उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म और फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। यानी कि सादा लफ्जों में अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि जी होम्योस्टेसिस एक ऐसा अमल है इसमें हमारे बाहर के माहौल में आने वाली तब्दीलियों के खतरे से बचाने के लिए हमारी जिस्म के अंदर कोई सिस्टम काम करता है जो कि हमें हमारे टेम्परेचर को और हमारे तमाम इंटरनल कंडीशंस को बरकरार रखता है, इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। मिसाल के तौर पे हम एक मिसाल लेते हैं कि एक शख्स आपके पाकिस्तान में ही एक शख्स है, वो अगर सिब्बी में चला जाए, शदीद गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी के इलाके में चला जाए, तो वहां पे जो दर्जा हरारत है वो 50 के करीब पहुंच जाता है गर्मियों में। तो उसकी बॉडी अपने आप को चेंज करेगी, उसको मेंटेन करवाएगी इस सख्त गर्मी के हालत में भी। और अगर यही शख्स चला जाए सियाचिन में जो कि बर्फ का ग्लेशियर है, जहां पे ठंड बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर जो है वो माइनस में होता है, 0 से भी ज्यादा ठंड रख होती है वहां पे, अगर वहां चला दे तो वहां भी इसकी जिस्म इसके अंदरूनी हालात को बरकरार रखने के लिए एक खास पोजीशन अटेन कर लेगा। तो इस सिस्टम को हम नाम दे देते हैं होम्योस्टेसिस। यानी कि ये होम्योस्टेसिस है, इसकी बदौलत हमारी बॉडी इस काबिल है कि वो किसी भी तरह के एनवायरमेंट में जाके सर्वाइव कर सकती है। तो यहाँ आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है कि अगर इसको हम कह दें कि ये बहुत ज्यादा हॉट एरिया है, और यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आती है कि एक चाइल्ड है जो कि एक सीसा लाइक स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है। अगर हम कह दें कि एक तरफ जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा और एक तरफ सर्दी बहुत ज्यादा है, तो इसने अपने आप को एक दरमियानी रेंज के अंदर बैलेंस किया हुआ है ताकि ये बच सके। और इस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स सूरज की गर्मी की वजह से तकलीफ में है, और इसकी बॉडी से कुछ पसीने की बूंदें गिरती हुई नजर आ रही हैं। ये पसीना बनने का अमल जो है ये खुद भी होम्योस्टेसिस के अंदर एक बहुत रोल प्ले करता है, जिसको हम आगे आके डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहला जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, हमारे पास बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट है होम्योस्टेसिस में, जिनमें से जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ऑस्मो रेगुलेशन का है। जो ऑस्मो रेगुलेशन का वर्ड निकला है 2 वर्ड से, नंबर 1 ऑस्मो। ऑस्मो का वर्ड आप लोग पढ़ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑस्मोसिस। अगर आप लोगों को याद हो तो ऑस्मोसिस हमने कहा था एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मॉलिक्यूल मूव करते हैं, और ये मूवमेंट एक पार्शियली परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो ऑस्मो का वर्ड यहां मेंशन कर रहा है वाटर की सॉल्यूशन को, यानी कि वाटर या फिर किसी किस्म की सॉल्यूशन को मेंशन कर रहा है।
रेगुलेशन, रेगुलेशन का वर्ड जो है वो रेगुलेट से निकला है, जैसे कि हमारे घरों में आमतौर पे पंखे का एक रेगुलेटर होता है जिससे हम उसकी स्पीड को रेगुलेट करते हैं, उसको कम या ज्यादा करते हैं। तो उसमें रेगुलेशन बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर की या सोल्यूशन की रेगुलेशन करवाता है कि किस सोल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट होनी चाहिए वाटर की या कितनी अमाउंट होनी चाहिए साल्ट की। ये तमाम चीजें जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन की बदौलत एक खास हद में रहती हैं। तो द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, एक ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट के दौरान सोल्यूट के लेने और देने, गेन का मतलब लेना और लॉस का मतलब खो देना। तो किसी सोल्यूट या वाटर की लेने या देने का जो रिलेशनशिप है, इसको रेगुलेट करने वाला जो सिस्टम है, उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। सादा अल्फाज में हम यूं कहेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पानी और नमकियात की अमाउंट को कंट्रोल करवाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब यहां आपको डायग्राम में नजर आता है कि अगर हमने कुछ सेल्स लिए हैं, आपको रेड ब्लड सेल नजर आ रहे हैं जो कि डिस्क बाइकनकेव शेप में है, इन रेड ब्लड सेल को अगर हमने डिस्टिल वाटर में रख दें तो क्या होगा? डिस्टिल वाटर में जाने से, क्योंकि इन सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, तो बाहर से पानी, जो कि डिस्टिल वाटर में कोई साल्ट नहीं होता, तो बाहर से पानी इन साल्ट की कमी को पूरा करने के लिए अंदर जाएगा। जब भी पानी अंदर जाएगा तो ये सेल जो उनसे हैं वो काफी फूले हुए नजर आ रहे हैं और ये सेल ब्रस्ट भी कर जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर इस इन्हीं सेल्स को हम नमक वाले पानी में प्लेस कर दें, नमक वाले पानी में रख दें, उससे क्या हुआ कि सेल के अंदर उतने नमक मौजूद नहीं है जितना सेल के बाहर नमक मौजूद है। उससे फिर क्या होगा कि सेल के अंदर का पानी जो है वो नमक की कमी को पूरा करने के लिए सेल से बाहर आ जाएगा और जो हमारा सेल है वो श्रिंक कर जाएगा और श्रिंक करके श्रीवल हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में नजर भी आ रहा है। तो ये होमोस्टेसिस के अंदर हमें पहला कॉन्सेप्ट मिलता है ऑस्मो रेगुलेशन का। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का वर्ड आप लोग पहली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एक्सक्रीशन का वर्ड बेसिकली यूज किया जाता है जिस्म से गंदे और फासद मादों को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो ये क्या है, द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जिस्म से नामियाती मादे को या नामियाती फजले को जिस्म से बाहर निकालने का जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और आप जानते हैं कि इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनीज हैं और ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है और साथ में आपके यूरेटर हैं जो कि मिलके ये काम करते हैं और आपका यूरिनरी सिस्टम डेवलप करते हैं। इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। थर्ड जो हमारा सिस्टम है, जो थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट है वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का जो वर्ड निकला है वो निकला है थर्म से, इसका मतलब है हीट, और रेगुलेशन का वर्ड हमने पीछे भी पढ़ा, किसी चीज को रेगुलेट करने का अमल। तो ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर किसी भी जिस्म की गर्मी को रेगुलेट किया जाता है। आपकी बॉडी ठंड में या गर्मी के मौसम में कैसे अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स रहता है। तो इस जो टेम्परेचर को फिक्स करने का सिस्टम है उसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन देखते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी के या जिस्म के अंदरूनी टेम्परेचर को मेंटेन करना विद इन अ टॉलरेबल रेंज, एक खास बर्दाश्त कर जाने वाली रेंज के अंदर, इस अमल को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये हाई टेम्परेचर की तरफ इशारा किया जा रहा है और यहाँ ब्लू का मतलब है कि लो टेम्परेचर। तो नॉर्मल ब्लड फ्लो हमारा इस तरह से होता है जबकि आपका जो ब्लड है वो नॉर्मल ब्लड फ्लो है, लेकिन जैसे ही हीट बढ़ती है तो आप देखेंगे कि हमारी बाजुओं वगैरह में जो है ब्लड वो ज्यादा जा रहा है और यहाँ पे ब्लड कम हो रहा है। ये कलर शेड आपको बता रही है कि यहाँ पे अभी जो ब्लड है वो ज्यादातर इन सेंट्रल ऑर्गन्स में ज्यादा है, ब्रेन के पास ज्यादा है और बाजुओं में कम है। लेकिन जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फिर ब्लड का जो फ्लो है वो बाजुओं की तरफ ज्यादा कर जा रहा है और सेंट्रल में कम करते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपका ब्लड आपके इन आउटर पोर्शन में जाएगा तो वो वहां जाके अपनी हीट को लॉस करेगा और आपकी बॉडी को ठंडा करने का काम करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं जी बेनिफिट्स, जो हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टेसिस, बेसिकली इस होम्योस्टेसिस के बेनिफिट क्या हैं। तो हमारा टॉपिक है जी बेनिफिट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपकी जिंदगी का ताल्लुक कम हो जाता है। उसके बाद ये कि आप जैसे भी हालात में रहेंगे आपकी बॉडी अपने आप को खुद से सस्टेन करने की, खुद से काबिल करने की एबिलिटी रख लेगी, तो इससे आपको बेनिफिट मिल जाता है।
ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन अ वाइडर रेंज ऑफ हैबिटेट. ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक हैबिटेट तक नहीं महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो एक से ज्यादा हैबिटेट में जाके रह सकता है. हमने शुरू में एक एग्जांपल डिस्कस की कि एक आदमी है, एक इंसान है, वो सियाचिन पे भी गुजारा कर लेता है और वो सिब्बी जैसे गर्म मुकाम पे भी गुजारा करता है. तो ये इसके अंदर आपके पास एक वाइडर रेंज आ गई है जिसने आपको एनेबल कर दिया है कि आप डिफरेंट जगहों पर जाके रहें और डिफरेंट वेरिएबल कंडीशन के अंदर और वेरिएबल एरियाज के अंदर रहने के भी अहल हो जाए. थर्ड पॉइंट है हमारा, ऑर्गेनिज्म कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज इट्स मेटाबॉलिक रेट अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट. जी, हमारी बॉडी में बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिक रेट. तो ऑर्गेनिज्म अपने मेटाबॉलिक रेट को अपनी जरूरत के मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है ताकि वो हालात के सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को बेहतर लेवल पे मेंटेन करवा लें. हमारा फोर्थ पॉइंट है, अ कंट्रोल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट एनेबल मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस. जो एक मुनासिब इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि बॉडी के अंदर एक इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना क्यों जरूरी है, उसकी एक वजह यह भी है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से रिएक्शंस हो रहे हैं और जो हर रिएक्शन है उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ अपनी खसूसियात हैं, और वो उसी खसूसियात में उन्हीं टेम्परेचर में उन्हीं कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करता है. तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का एक मकसद ये भी है कि हमारी बॉडी इजीली अपने तमाम प्रोसेस को इन खास हालात में मेंटेन करवा सके. हमारा लास्ट फंक्शन है एंजाइम. एंजाइम को आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 में डिटेल में पढ़ा था. एंजाइम्स बड़े सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं जो कि सिर्फ एक ऑप्टिमम रेंज पे, एक ऑप्टिमम लेवल पे ही प्रॉपर काम करते हैं. तो इन एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए भी हमें माहौल को या बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन करना जरूरी होता है. नेक्स्ट, कंट्रोल सिस्टम ऑफ होमोसिस. होमोसिस एक कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, हमने इसकी बात कर ली, लेकिन होमोसिस चीजों को कंट्रोल कैसे करता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके इस होमोस्टेटिक सिस्टम के. फर्स्ट पार्ट इज रिसेप्टर. हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो रिसेप्टर है. रिसेप्टर किसी भी ऐसे ऑर्गन को कहते हैं जो कि किसी भी चेंज को डिटेक्ट कर सके. यानी कि रिसेप्टर बेसिकली एक तरह का डिटेक्टर है जो कि बाहर के माहौल में आने वाली किसी भी तब्दीली को, किसी भी चेंज को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल ट्रांसफर करता है आपके ब्रेन के पास. तो दूसरे नंबर पे वहां पर आता है ब्रेन, यानी कि कंट्रोल सेंटर, एक ऐसा सेंटर जो कि आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज को, डिफरेंट चीजों को कंट्रोल करता हो. तो ये जो कंट्रोल सेंटर है ये चेंजेस को डिफाइन करता है. लेट्स सपोज आपका ब्रेन आपको बताएगा कि आपको गर्मी लग रही है, आपको कितनी गर्मी लग रही है, कितनी ठंड लग रही है, ये तमाम जो है ये चीजें हमारे कंट्रोल सेंटर में होती हैं. दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ब्रेन ऑफ योर बॉडी. थर्ड थिंग इज अ मैकेनिज्म दैट ट्रिगर अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन. जी, अब तीसरी चीज ये है कि जब ब्रेन से पता चला कि आपकी बॉडी को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस गर्मी की वजह से उस ब्रेन ने क्या एक्शन लिए हैं, उस ब्रेन ने उस गर्मी को खत्म करने के लिए क्या एक्शन लिया है, क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लिया है, ये मैकेनिज्म भी इसके अंदर बहुत जरूरी है. तो फोर्थ चीज हमारे पास आती है वो है अफेक्टर. नाम ही से वाजह है, अफेक्टर्स का मतलब है कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि अफेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जब ब्रेन ने ये डिसीजन लिया कि अब गर्मी का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, तो इस गर्मी को खत्म करने के लिए आपके मसल्स कुछ काम करते हैं, आपके रेस्पिरेशन ग्लैंड प्रेस्पायरेट करते हैं, पसीना पैदा करते हैं. तो ये जो काम है ये अफेक्टर्स की जिम्मेदारी है ताकि गर्मी के असरात को कम से कम किया जा सके. जी, यहाँ पे अब हमें एक डायग्रामेटिक पिक्चर नजर आती है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक सीसा नजर आ रहा है. सीसा लाइक स्ट्रक्चर है, एक फिल्क्रम है जिसके ऊपर एक लकड़ी का जो है या जो एक स्केल बैलेंस हुआ हुआ है. हमारी बॉडी भी इसी तरह से एक नॉर्मल स्केल के ऊपर बैलेंस्ड होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, बाहर के माहौल में तब्दीली आने से आपका माहौल जब इम्बैलेंस का शिकार होता है तो फिर कुछ फिनोमेना शुरू होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये इम्बैलेंस होता है तो जो रिसेप्टर्स हैं वो इसको रिसीव करते हैं, यानी कि ये रिसेप्टर जो हैं ये चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और इस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलस. बाहर के एनवायरमेंट में आने वाला कोई भी चेंज जो कि वेरिएशन में आए, जिसमें कुछ तब्दीली आए, तो वो स्टिमुलस होता है और हमारे रिसेप्टर जो हैं वो इस स्टिमुलस को रिसीव कर लेते हैं. फिर ये रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन भेजते हैं आपके ब्रेन तक. इस इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं इनपुट. आपका कंट्रोल सेंटर या ब्रेन इस इन्फॉर्मेशन को लेता है और इसे लेके इस पे कुछ डिसीजन लेता है और ये इन्फॉर्मेशन आगे फिर भेजी जाती है आपके अफेक्टर्स के पास. अफेक्टर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, यानी कि जो इससे बाहर आया. इन्फॉर्मेशन अंदर दी गई, कंट्रोल सेंटर ने दी गई इन्फॉर्मेशन को समझते हुए कुछ आउटपुट दिया. तो ये आउटपुट हमारे कंट्रोल सेंटर से पहुंचाया जाता है अफेक्टर्स तक, और अफेक्टर इन और अफेक्टर्स इस इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए कोई एक्शन लेते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स.
तो रिस्पॉन्स वो फीडबैक का एक्शन है जो कि कंट्रोल सेंटर के बाद अफेक्टर्स इसको लेते हैं और उस इम्बैलेंस को खत्म करके दोबारा से बैलेंस मेंटेन करने में हेल्पफुल करते हैं। तो इस तरह से हमारा होमोस्टेसिस का मैकेनिज्म हमारे सामने आता है। अब यहाँ पे हम एक वर्ड पीछे पढ़ा हमने, फीडबैक क्या होता है। फीडबैक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और फीडबैक हमें अक्सर जगहों पर नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस के कोई भी नई चीज प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तो उसका बाद में फीडबैक किया जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी है। इवन इन द केस ऑफ मोबाइल फोन्स, जब आप एक कॉल करते हैं कॉल सेंटर में और नुमाइंदे से बात करते हैं तो उसके बाद आपको एक मैसेज या एक कॉल रिसीव होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको नुमाइंदे से बात करने जो आप सर्विस देना चाहते थे वो आपको अच्छी मिली है नहीं मिली। इसको हम कहते हैं फीडबैक। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी फीडबैक चलता है। फीडबैक की हमने दो टाइप्स कर दी है, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक वो फीडबैक होता है जो कि किसी प्रोसेस को रुकवाने का सबब बन जाए। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस चल रहा है, अगर उसकी फीडबैक ली जाए और उसका आंसर नेगेटिव आए कि ये प्रोसेस ठीक नहीं है इसको बंद कर देना चाहिए, इन करंट सिचुएशन मजकूरा हालात को मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रोसेस है इसकी जरूरत नहीं है या ये जरूरत से ज्यादा है तो इसको बंद कर दिया जाए, इस तरह का जो फीडबैक है उसे हम कह रहे थे नेगेटिव फीडबैक। जबकि ऐसा फीडबैक जो ये कहे कि ये प्रोसेस जो आप कर रहे हैं ये अच्छा प्रोसेस है, इसको जारी रखा जाए, इसको बढ़ाया जाए, तो इस फीडबैक को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अब जरा हम देखेंगे कि फीडबैक हमारी इस टर्मिनोलॉजी में, इस बैकग्राउंड में कैसे हमें सामने आता है। तो हम कहते हैं जी, फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एक्शन सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व इंपल्स और हार्मोन टू द टारगेट ऑर्गन। हमारे ब्रेन से, हमारे कंट्रोल सेंटर से एक्शन सिग्नल जाते हैं नर्व इंपल्स की फॉर्म में हार्मोन्स तक या फिर टारगेट ऑर्गन तक। तो जब ये मैसेजेस जाएंगे तो वहां जाके कुछ डिसीजंस लेंगे और वहां पे कोई रिएक्शन को फास्ट अप या बिल्ड करवाएंगे। दे विल ट्रिगर करेक्शन मैकेनिज्म टू रिटर्न द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर टू देयर नॉर्मल कंडीशंस। इस चेंज की वजह से वहां पे कुछ ऐसे मैकेनिज्म यूज होंगे, कुछ ऐसे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे जिन्हें हम कह रहे हैं करेक्शन मैकेनिज्म, यानी कि ये उस मसले को, उस गड़बड़ को, उस खराबी को करेक्ट करेंगे और दोबारा से हालात को नॉर्मल कंडीशंस तक ले आएंगे। अब जैसे ही आपके हालात दोबारा नॉर्मल कंडीशन तक आ गए, अब इस मैकेनिज्म को चलाने की और कोई वजह बाकी नहीं रही, तो अब आपका ये फीडबैक, अब आपका जो सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाएगा और इसको बंद करेंगे एक नेगेटिव फीडबैक देके। जैसा कि यहां बताया जा रहा है, अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिजिकल और केमिकल फैक्टर विल ट्रिगर अ मैकेनिज्म टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फैक्टर। जो फैक्टर हम पैदा कर रहे थे वो अपनी अमाउंट में जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, अब हमें उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हम नेगेटिव फीडबैक देके उस सिस्टम को इजीली बंद करवा देंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक की तरफ। पॉजिटिव फीडबैक तब होता है जब किसी भी फैक्टर में कोई चेंज आए और इसकी वजह से वैल्यू ऑफ फैक्टर जो है वो राइज और फॉल करे इवन फर्दर। तो इसकी वजह से हमें जो फीडबैक देना पड़ता है वो होता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमने बात करनी है अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जो कि है ऑस्मो रेगुलेशन। हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स का यानी कि साल्ट्स का एक बैलेंस जो है उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। हमने अभी एग्जांपल डिस्कस की थी, यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक आपको नजर आया रेड ब्लड सेल, जिसको हम कहते हैं RBC रेड ब्लड सेल, जो कि एक एनिमल की बॉडी का सेल है। नीचे आपको एक प्लांट सेल भी नजर आ रहा है, इन दोनों में हम फर्क करेंगे। हमने इन दोनों सेल्स को रखा एक सॉल्यूशन में जिसका नाम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी आपको यहाँ पे ये समझना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। तो वर्ड आइसो है, आइसो का मतलब है सेम, और टोनिक मीन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये एक ऐसी सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपके सेल्स की, साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। अगर ये कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास एक जार है और जार के अंदर हमने एक ऐसा लिक्विड भरा है जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके सेल के, साइटोप्लाज्म के बिल्कुल इक्वल है, इस केस में क्या होगा, हमारे बाहर कंसेंट्रेशन और अंदर कंसेंट्रेशन जो है बिल्कुल दोनों सेम है, तो इसमें से वाटर बाहर आएगा उतना ही वाटर अंदर भी जाएगा, तो एक नॉर्मल एक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा और आपका सेल एक बिल्कुल नॉर्मल से सिचुएशन में आपको नजर आएगा। दूसरी कंडीशन में आए तो यहाँ पे आपको दो वर्ड नजर आते हैं, हाइपो एंड टोनिक। टोनिक का वर्ड हमने पहले पढ़ा, टोनिक मीन कॉन्सेंट्रेशन और हाइपो मीन लेस, यानी कि इस केस में हमारी जो सोल्यूशन हमने डाली है, जो सेल्स को हमने एनवायरमेंट प्रोवाइड किया है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक एनवायरमेंट, यानी कि आपके बाहर जो है वो सॉल्ट्स की अमाउंट कम है जी। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, बाहर के एनवायरमेंट के अंदर सॉल्ट की अमाउंट कम है और अंदर कंपैरेटिवली सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है। अब बाहर सॉल्ट की अमाउंट कम है, अंदर सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है, तो बाहर से जो पानी है वो ऑटोमेटिकली
अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तहत अंदर की तरफ मूव करेगा ताकि अंदर मौजूद साल्ट को भी वो बैलेंस कर सके। तो इसी चक्कर के अंदर ज्यादा सारा वाटर जो है वो आपके सेल के अंदर एंटर हो जाता है, और अगर आप देखें तो सेल जो है वो अपनी नॉर्मल शेप से चेंज हो गया है, सेल फूल के एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में आ गया है, यानी कि सेल के अंदर बहुत सा वाटर ऐड हो गया और सेल टाइट हो गया है, इसे हम कहते हैं टर्जिड। अब यहां पे हमें दो कंडीशन का सामना करना पड़ता है। इन द केस ऑफ एनिमल सेल, यहां पे हमें वर्ड लिखा नजर आ रहा है लाइस्ट, लाइस्ट का जो वर्ड है वो निकला है लाइसिस से, यानी कि टूटना, फट जाना। चूंकि इसमें बहुत सा पानी एंटर हो गया, और आपको पता है कि एनिमल सेल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, कोई सेल वॉल नहीं होती, और सेल मेम्ब्रेन एक नाजुक स्ट्रक्चर है, तो जब इतना ज्यादा सारा पानी इस सेल के अंदर चला जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन इस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएगी और फट जाएगी, और आपका जो सेल है वो लाइस्ट हो जाएगा, यानी कि सेल फट जाएगा। जबकि दूसरी तरफ प्लांट सेल के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रांग किस्म की सेल वॉल मौजूद है, तो अगर ज्यादा सारा पानी अंदर जाता भी है तो ये सेल वॉल उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी, उसे सपोर्ट करेगी, और हम कहेंगे कि जो सेल है ये सेल टर्जिड हो गया है। तो ये हमने देखा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है। हमारी थर्ड जो कंडीशन है वो है हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर अगेन हम इसको समझते हैं, हाइपर मीन मोर या ज्यादा, और टोनिक मीन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ऐसी सॉल्यूशन जिसके अंदर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। हमने अपने इस सेल को एक ऐसी सॉल्यूशन में रखा है जिसके अंदर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब मामला यह है कि आपके सेल के अंदर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के बाहर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो अब आपका वाटर सेल के अंदर से इसको हम थोड़ा सा इन्वर्ट करेंगे, यानी कि अंदर जो है वो साल्ट की अमाउंट कम है और बाहर साल्ट की अमाउंट ज्यादा है। इसके रिस्पेक्टिव अगर हम देखें तो अंदर कंपैरेटिवली वाटर की अमाउंट ज्यादा है और बाहर कंपैरेटिवली वाटर की अमाउंट कम है, तो चूंकि वाटर की अमाउंट बाहर कम है तो अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर मूव करेंगे, और बाहर मूव करेंगे तो सेल अपनी एक्चुअल शेप को लूज कर बैठेगा और श्रिंक हो जाएगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में से जब वाटर रिमूव किया जाता है तो इस सेल की जो शेप है वो सिकुड़ जाती है, चेंज हो जाती है, इसको हम कहते हैं श्रिंक। तो इस केस में जो प्लांट है वो हमें प्लाज्मोलाइज नजर आते हैं, यानी कि एक पौधे में से पानी का निकल जाना और उसका श्रिंक हो जाना, उसका मुरझा जाना, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज। अब हम बात करते हैं जी ऑस्मोलाइग्रेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोलाइग्रेशन इन प्लांट, कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर भी तमाम सिस्टम होते हैं, वो भी अपने अंदर वाटर और जो साल्ट है उसको मेंटेन करवाते हैं। प्लांट्स के अंदर ऑस्मोलाइग्रेशन कैसे होती है? अब हमारे पास डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं प्लांट्स की, जिसमें से पहली जो कैटेगरी होती है वो है हाइड्रोफाइट। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट, यानी कि ऐसे पौधे जो कि पानी में रहते हैं। इन पौधों को पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये पानी में डूबे हुए हैं, हर टाइम इन्हें पानी मौजूद है, तो इस मकसद के लिए क्या करते हैं, इनको अपने इनका जो चैलेंज है वो ये है कि इन्होंने ज्यादा सारा पानी इन्हें अवेलेबल है और इन्होंने उस ज्यादा पानी से छुटकारा हासिल कर रहा है। इस मकसद के लिए इंक्रीज सरफेस एरिया, इनके जो पत्ते हैं आपको बड़े छोटे छोटे से बड़े बड़े से नजर आते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ट्रांसपेरेशन भी ज्यादा होगी और पानी का अच्छा खासा अमाउंट ये बॉडी से एवेपोरेट कर देंगे। नंबर टू, एक्सटेंसिव स्टोमेटा, बॉडी के ऊपर बहुत से स्टोमेटा हैं। आमतौर पर हमने कहा था पार्ट वन में कि स्टोमेटा सिर्फ पौधों के निचली लेयर पे पाए जाते हैं, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा स्टोमेटा है, नीचे तो नीचे बल्कि ऊपर वाली सरफेस के ऊपर भी बहुत से स्टोमेटा है जो कि बॉडी में से वाटर के लॉस को मेंटेन करते हैं, वाटर का लॉस करवाते हैं और इनको ज्यादा पानी से छुटकारा हासिल करने में मदद देते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोफाइट्स ज्यादा पानी के खिलाफ अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। नंबर टू है जी मीजोफाइट्स। मीजो मीन मीडियम, दरमियाने, और फाइट्स मीन पौधे, यानी कि ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें वाटर की अवेलेबिलिटी दरमियानी होती है, ना इन्हें बहुत ज्यादा पानी मिलता है ना इन्हें बहुत कम पानी मिलता है, तो ये मुनासिब सी वाटर सप्लाई में रहते हैं। अगर तो वाटर की सप्लाई काफी ज्यादा है तो इनके जो स्टोमेटा है वो ओपन रहते हैं और एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालते रहते हैं, लेकिन अगर कभी खुशसाली का सामना करना पड़े और पानी की सप्लाई कम हो जाए तो इनके स्टोमेटा अपने आप को बंद कर लेते हैं और पानी के लॉस को बचाते हैं। तो इस तरह से मीजोफाइट्स दोनों तरह की हालात के लिए तैयार रहते हैं, अगर वाटर अवेलेबल है और अगर वाटर नहीं भी अवेलेबल तो भी अपने आप को सर्वाइव करने में हेल्पफुल होते हैं। नंबर थर्ड, ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरो मीन ड्राइनेस, खुश्की, और फाइट्स मीन पौधे, यानी कि ऐसे पौधे हैं जो खुश्की पे रहते हैं, इनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इस मकसद के लिए इन्होंने क्या किया है, इनके पास कुछ अडाप्टेशन हैं, वो क्या हैं? नंबर वन, थिक स्मॉल लीव, इनके पत्ते बहुत छोटे छोटे से होते हैं और बड़े थिक से होते हैं ताकि ये अपनी ट्रांसपायरेशन कम करें, सरफेस एरिया कम होगा, स्टोमेटा भी कम होंगे और वो थिक हैं तो उनके ऊपर लेयर्स चढ़ी हुई हैं तो उससे वो ट्रांसपायरेशन नहीं कर सकते। इवन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पौधों के पास पत्ते हैं ही नहीं,
कुछ प्लांट्स जैसा कि कैक्टाई हैं, उन्होंने अपने लीव, उन्होंने अपने पत्ते गिरा दिए. आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इसके कोई पत्ते नहीं है, जस्ट स्टेम है. तो इसका मतलब ये है कि इसने अपने पत्ते ही गिरा दिए हैं, क्योंकि पत्तों पे ही स्टोमेटा होते हैं और वो स्टोमेटा पानी जाया करने का सबब बनते हैं. तो ये उर्दू के उसी मुहावरे का मुतरादिफ है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि ना तो लीफ होंगे ना उन पे स्टोमेटा होंगे और ना ही ट्रांसपायरेशन होगी और ना ही पानी का जिया होगा. तो इस तरह से अपने पानी को महफूज कर लेते हैं. एक और अडॉप्टेशन इनमें नजर आती है, क्यूटिकल इज थिक एंड वैक्सी. क्यूटिकल क्या होती है, हमें लीव्स के ऊपर एक शाइनी सी लेयर नजर आती है जो कि लीव्स और फ्रूट्स दोनों के ऊपर होती है, ये इसे हम कहते हैं क्यूटिकल. इनकी जो क्यूटिकल है वो बहुत ज्यादा थिक है, मोटी है और वैक्सी है, ताकि वाटर की एवेपरेशन को रोक सके. एक और पॉइंट जो हमें इसमें अडॉप्टेशन की फॉर्म में नजर आता है वो है स्टोमेटा आर ऑन लोअर सर्फेस ऑफ लीव. स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ पत्तों के नीचे वाली सर्फेस पे मौजूद है. इसका फायदा क्या होता है, जब एक लीफ के ऊपर लाइट पड़ती है और अगर स्टोमेटा ऊपर हो तो इन स्टोमेटा से बहुत सी अमाउंट में वाटर लॉस हो सकता है, लेकिन चूंकि प्लांट्स के और खासतौर पे इन प्लांट्स के ज़ेरोफाइट्स के स्टोमेटा नीचे होते हैं, लाइट ऊपर पड़ेगी भी तो एवेपोरेशन का प्रोसेस थोड़ा सा कम ही होता है. तो ये कुछ अडॉप्टेशन है कि ज़ेरोफाइट किस तरह से पानी की कमी को बर्दाश्त करते हैं. तो ये तो हमने बात की प्लांट्स की, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एनिमल्स की. एनिमल्स के हवाले से कि एनिमल्स में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है, एनिमल्स में भी ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस पाया जाता है. इस हवाले से हमने एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, नंबर वन ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड नंबर टू ऑस्मो रेगुलेटर. इसका मतलब क्या है, ऑस्मो कन्फॉर्मर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आइसो ऑस्मोटिक रहते हैं अपने सराउंडिंग से, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट को अपने बाहर के एनवायरमेंट से के कंपेयर कंपैरिजन में चेंज नहीं करते. फॉर एग्जांपल कुछ मैरीन एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने आप को अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट के मुकाबले में बिल्कुल बैलेंस कर देते हैं, यानी कि अगर बाहर जितना पानी मौजूद है अपनी बॉडी में उतना पानी ले आएंगे, इससे इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि सादा ऑर्गेनिज्म है, ये ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर. जबकि दूसरी तरह के ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर के एनवायरमेंट को रेगुलेट करते हैं, जो अपने अंदर वाटर और साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं बाय यूजिंग द एनर्जी. तो ये ऑर्गेनिज्म एनर्जी यूज करते हैं, एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं और एनर्जी एक्सपेंड करके हाइपर ऑस्मोटिक या हाइपोस्मोटिक एनवायरमेंट में अपने आप को मेंटेन करते हैं. इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैरीन वर्टिब्रेट्स हैं और इन वर्टिब्रेट्स भी कुछ कुछ जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं. तो यहाँ आपको एक डायग्राम नजर आती है ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरमेंट. ये एक फिश है जो कि डिफरेंट एनवायरमेंट की फिश है, जो ए में आपको नजर आ रही है ये एक मैरीन फिश है. मैरीन मतलब एक समुद्र में आने वाली फिश है, जबकि बी पे जो है वो है फ्रेश वाटर फिश. अब यहां आपको पता होना चाहिए कि मैरीन वाटर में और फ्रेश वाटर में थोड़ा सा फर्क होता है. मैरीन वाटर जो है वो कड़वा पानी होता है, समुद्र का पानी कड़वा होता है. क्यों, बिकॉज उसके अंदर सॉल्ट्स की बहुत ज्यादा अमाउंट्स मौजूद होती हैं, कड़वा पानी भी फेंका जाता है, जबकि फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट्स की अमाउंट्स कम होती हैं. अब चूंकि इन दोनों फिशेज का है तो दोनों फिशेज ही, लेकिन इन दोनों फिशेज का एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो इसलिए हमें इनके मैकेनिज्म में भी थोड़ा सा फर्क नजर आता है. पहले हम बात करेंगे मैरीन फिश की. चूंकि मैरीन फिश समुद्र के पानी में रह रही है और समुद्र के पानी में बाहर जो है वो साल्ट से ज्यादा है, बॉडी में साल्ट की अमाउंट कम होनी चाहिए. तो इसलिए क्या होता है कि जो मछली है वो समुद्र से ज्यादा सारा पानी पीती है. गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द फूड, पानी से और खुराक से ज्यादा सारा पानी और इसके साथ साथ साल्ट भी बॉडी के अंदर ले जाता है. अब इसके पास जो गिल्स हैं वो गिल्स एक काम करते हैं, ये गिल्स एक्टिवली साल्ट को बाहर पंप कर देते हैं, यानी कि ये गिल्स ऐसे स्पेशलाइज्ड गिल हैं जो कि साल्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं और पानी को बॉडी के अंदर मेंटेन करवा लेते हैं. इसके अलावा इनके पास कुछ किडनीज होते हैं, किडनी जैसा कि ह्यूमंस में भी किडनी होते हैं. ये किडनी स्कैंटी यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, स्कैंटी मीन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ऐसा यूरिन जिसके अंदर साल्ट और वेस्ट की ज्यादा अमाउंट हो लेकिन वाटर की अमाउंट कम हो. तो इस तरीके से आपने देखा कि इस मैरीन फिश ने पानी और साल्ट दोनों पिया, बॉडी में लेके गई, उसके बाद इसने पानी को तो बॉडी में सेव कर लिया और साल्ट वगैरह को गिल्स और किडनीज के जरिए बॉडी से रिमूव कर दिया. इस तरह से ये अपनी बॉडी के अंदर अपने एनवायरमेंट के खिलाफ अपनी बॉडी के अंदर अच्छा खासा पानी का अमाउंट जमा कर लेता है और साल्ट का अमाउंट बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. तो इस तरह से मैरीन फिशेज अपने एनवायरमेंट में आपको सस्टेन कर लेती है. अब हम मूव करते हैं सेकेंड पोर्शन की तरफ, फ्रेश वाटर फिश की तरफ. फ्रेश वाटर फिश को जो मसला है वो मसला ये है कि इसके पास बाहर पानी बहुत ज्यादा है और अंदर पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो भी ज्यादा होगी और इसको साल्ट की जरूरत है. तो ये बहुत ज्यादा पानी वाले एनवायरमेंट में रहती है, डिल्यूट एनवायरमेंट में रहती है. इसको खतरा ये है कि इसकी बॉडी में जो यूजफुल सॉल्ट हैं वो इस वाटर के अंदर बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं.
इसका हल ये कैसे करती है, ये अपनी खुराक और ड्रिंकिंग के जरिए ज़्यादा सारा पानी पीती है और इस पानी को वो अपने गिल्स के जरिए बाहर निकाल देती है। यानी कि जब ये पानी को मुंह से अंदर लेके आती है और गिल्स से निकालती है, तो इस दौरान इसके गिल्स के पास कुछ सिस्टम मौजूद है जिसके तहत ये इस वाटर में से फूड और साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा इसकी किडनी जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं वो यूरिन डिल्यूट यूरिन है, यानी कि ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर की अच्छी खासी अमाउंट जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, ताकि पानी के अंदर आपकी फिश की बॉडी के अंदर पानी की ज्यादती का सामना ना हो। नेक्स्ट इज ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। हमने भी देखा पानी में क्या होता है, पानी में कैसे फिशेज फ्रेश वाटर में और मैरीन वाटर में गुजारा करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, खुश्की का एनवायरनमेंट। खुश्की के एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्टेबल करते हैं, पहले हम बात करेंगे खुश्क इलाकों वाले ऑर्गेनिज्म की। जो खुश्की में रहने वाले जानवर हैं इनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है और एक कंडीशन हमारे पास है डिहाइड्रेशन। इंतहाई खुश्की के आलम में बॉडी से पानी का रिमूव हो जाना इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डी मीन रिमूवल, हाइड्रा मीन वाटर, एंड एशन का मतलब प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसमें बॉडी से वाटर को रिमूव हो जाता है या बॉडी का वाटर खत्म हो जाता है, इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में अक्सर हो जाती है और इस डिहाइड्रेशन को कोप करने का अमल, यानी कि इस डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। यानी कि अल्लाह ताला ने खुश्की पर रहने वाले जानवरों को इस डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को टॉलरेट करने की सेंस दी है, टॉलरेट करने की एबिलिटी दी है, और इस एबिलिटी को या इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक यहाँ पे टोर्टोइस दिखाया जा रहा है। टोर्टोइस अपनी फूड के जरिए इलेक्ट्रोलाइट्स अपनी बॉडी में लेता है और ये पानी भी पीता है। इसके अलावा ये कुछ वाटर लंग्स के साथ ब्रीथिंग के दौरान निकाल देता है और कुछ वाटर ये वेपोरेट कर देता है, कुछ वाटर इसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बनता है। जी तो कुछ वाटर इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज के दौरान बनता है और कुछ वाटर जो है इसके पास पीने से आता है। तो कुछ वाटर ये रिमूव कर देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फीसिस, कुछ वाटर ये अपने यूरिन के साथ इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में मूव कर देता है। अब अगर देखा जाए तो ये सॉल्ट्स ले भी रहा है, सॉल्ट्स रिमूव भी कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा सामना है वो वाटर का है, तो पानी की अवेलेबिलिटी की इसको सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर से हम बॉडी का वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन का फिनोमेना पाया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सक्रीशन इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ बॉडी of waste substances that are formed during cellular metabolic activities. Cell के अंदर metabolic activities के दौरान, metabolic reaction के दौरान जो waste substances बनते हैं उन्हें body से निकालने का जो नाम है उसे हम कहते हैं excretion. For example, respiration भी एक method है excretion का, क्योंकि हमारी body में से waste gases, carbon dioxide वगैरह को बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर निकलना ये आमतौर पे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन ये भी एक्सक्रीशन का एक पोर्शन है। इसमें वेस्ट चीज को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कैरी आउट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्यों होती है, एक्सक्रीशन इसलिए है क्योंकि ये खतरनाक मादे, ये फालतू मादे जो उनसे हैं, केमिकल्स जो उनसे हैं, ये अगर हमारी बॉडी में जमा होंगे तो हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको खराब कर सकते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में खलल डाल सकते हैं। तो इसलिए हम होमियोस्टेसिस मेंटेन करते हैं, यानी कि इन वेस्ट मटेरियल की बॉडी में सिर्फ एक प्रॉपर अमाउंट है, उससे ज्यादा ये बॉडी के अंदर जमा होंगे तो वो खराबी पैदा करेंगे। इसीलिए होमियोस्टेसिस के फिनोमेना के तहत एक्स्ट्रा गैसेस को और एक्स्ट्रा जो केमिकल वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है, प्लांट्स एक्सक्रीशन कई तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली बात है ऑक्सीजन इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फोटोसेंसिस। प्लांट्स फोटोसेंसिस करते हैं और फोटोसेंसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, दोनों मिले लाइट रिएक्शन की मदद में, यहाँ पे शुगर बनी है और साथ ऑक्सीजन बनी है। तो शुगर तो हमारे काम की चीज है जो कि प्लांट को जरूरत पेश आएगी, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट के लिए जरूरी नहीं है, एक वेस्ट मटेरियल के तौर पर काम करती है। तो इस ऑक्सीजन को फोटोसेंसिस के दौरान बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो ये भी प्लांट्स की एक एक्सक्रीशन है। लेकिन इसके बरक्स प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ये दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड चलते रहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज ग्यूटेशन। ग्यूटेशन क्या होती है, द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर एज लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ ऑफ हर्बीवोरस प्लांट अकरिंग व्हेन रूट प्रेशर इज हाई एंड ट्रांसपिरेशन इज लो। तो ये हमने पार्ट वन में भी पढ़ा था कि हर्बीवोरस प्लांट ऐसे पौधे जो नर्मो नाजुक होते हैं जैसे कि जड़ी बूटियां वगैरह हैं,
इन प्लांट्स के मार्जिन से पानी के कतरों का निकलना, इसे हम ग्यूटेशन कहते हैं। और ये ग्यूटेशन के कतरे क्यों निकलते हैं, क्योंकि रूट्स में प्रेशर हाई होता है और ट्रांसपायरेशन कम हो रही है, यानी कि पौधे के अंदर जो आपके पास पानी जा तो डाला रहा है लेकिन ट्रांसपायरेशन की निस्बतन कम निकल रहा है, तो इसके अंदर काफी सारा पानी जमा हो जाता है और वो पानी फिर ड्रॉप्स की फॉर्म में पौधे से बाहर आता है, जिसे हम कहते हैं ग्यूटेशन। और इस ग्यूटेशन के अंदर ना सिर्फ वाटर होता है बल्कि शुगर और साल्ट की कुछ अमाउंट भी इसके अंदर शामिल होती है। इसके अलावा प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, प्लांट्स में एक मेथड ये भी है एक्सक्रीशन करने का कि प्लांट्स अपना वेस्ट मटेरियल अपने लीव्स में स्टोर करते हैं। हम देखते हैं कि जब पत्ते पुराने होते हैं तो उन पत्तों का कलर फेड होना शुरू होता है और पत्ते वो काले हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, तो अक्सर प्लांट्स अपना वेस्ट मटेरियल अपने पत्तों में जमा करते हैं और फिर ये जब पत्ते जमीन पर गिरते हैं, निकलते हैं, टूटते हैं, तो इनके साथ ही वो वेस्ट मटेरियल भी इनकी बॉडी से खारिज हो जाता है। अब पत्तों के येलो होने की क्या वजह है, हम कहते हैं कि जब क्लोरोफिल ब्रेक हो जाता है, जब एक पत्ता अपनी काम करने को छोड़ देता है, रिटायर्ड हो जाता है, अपनी उम्र पूरी कर लेता है, तो उसमें अंदर मौजूद जो क्लोरोफिल है वो टूटता है और क्लोरोफिल टूटने के बाद कुछ और कंपाउंड्स बनते हैं जिनका कलर लेस होता है, तो फिर हमें कुछ येलोइश पिगमेंट्स वहां नजर आते हैं। प्लांट्स के लीव चूंकि एक्सक्रीशन में एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसी फंक्शन की वजह से हमने इनको नाम दे दिया है एक्सक्रीटोफोर्स का। लेटेक्स कहते हैं जी रबड़ को, वो रबड़ अक्सर अगर हम किसी दरख्त को चाकू से एक निशान लगाएं तो वहां से कुछ व्हाइट कलर का मादा निकलता है, जैसे कि आप देखें यहां से इस पौधे में से निकल रहा है, तो ये जो है लेटेक्स है, रबड़ है, जैसे कि रबड़ प्लांट से भी निकलता है, तो हमें ये भी कंसीडर करते हैं कि कुछ प्लांट्स लेटेक्स के जरिए भी अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें एक्सक्रीट कर देते हैं। गम ऊज आउट ऑफ अ ब्रांच, अब यहां देख सकते हैं कि आप एक लीफ है, एक ब्रांच है, उससे गम निकल रही है, तो इस गम में, इस बूंद के अंदर भी बहुत से वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो प्लांट्स इस तरह भी अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, एक बड़ा मजे का फॉर्मूला है जो कि केमिकल एक्सक्रीशन है। कुछ प्लांट्स, खास प्लांट्स ऐसे हैं, कॉनिफर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पे कॉर्न लगती है, जैसे आपने पार्ट वन में पढ़ा था पाइनस का ट्री था जिसपे मेल और फीमेल कॉर्न लगती है, दे आर नोन एज कॉनिफर्स। कुछ पौधे ऐसे हैं खासतौर पर कॉनिफर्स जो कि अपना वेस्ट मटेरियल जमीन में, मिट्टी में निकाल देते हैं, वो अपनी रूट्स के जरिए अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको सॉइल के अंदर पंप कर देते हैं, डाल देते हैं, और इससे उनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट हो जाता है। इसे हम कहते हैं केमिकल वेपन, यानी कि ये अपने इन केमिकल कंपाउंड्स को दूसरे पौधों के लिए या दूसरे जानवरों के लिए एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज जो देखने में आती है वो है इबोनी। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने वेस्ट मटेरियल को अपनी शाखों में या अपने ट्रंक में, अपने तने के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ओल्ड जाइलम के अंदर, पुराने जाइलम के अंदर, जो कि अब पानी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आपको पता है कि हर साल एनुअल रिंग्स बनते हैं, नए नए जाइलम के बंडल्स आते रहते हैं, जाइलम के नए नए रिंग आते हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स जो कि अपने जाइलम से प्रॉपर काम नहीं ले रहे, अब ओल्ड जाइलम जो सेंटर में होता है, जो पिथ बन जाती है, हार्ट वुड बन जाती है, उस जाइलम के अंदर अपने वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं, और वो जाइलम जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर, इस वुड को हम कहते हैं इबोनी। तो इबोनी भी एक मेथड है प्लांट्स की एक्सक्रीशन का। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है, एनिमल्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट। पहले तो हमें देखना पड़ेगा एनिमल में एक्सक्रीशन किस किस चीज की होती है। सबसे पहले है नाइट्रोजनस वेस्ट। एनिमल्स के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमाइनो एसिड। ये कुछ वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। कि कहां से आते हैं, अमोनिया जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, दीज ऑल आर द नाइट्रोजनस वेस्ट। ये तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट है। हम जब प्रोटीन खाते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सी प्रोटीन्स हैं, हमारी बॉडी के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जब ये टूटते हैं तो इसमें से भी नाइट्रोजनस स्पेसिस निकलती हैं, अमाइनो एसिड्स निकलते हैं, और ये टूट के अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और अमाइनो एसिड की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जो हमें बता रही है कि डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट वेस्ट को निकालते हैं और डिफरेंट मेथड में निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, प्रोटीन जो है वो टूट के अमाइनो एसिड बनाता है, और अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो ग्रुप बनाते हैं, यानी कि एक नाइट्रोजनस बेस बनता है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड के पास भी नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस टूटती है तो भी अमाइनो ग्रुप बनता है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट इन दोनों मेथड से हमारे पास आता है। अब डिफरेंट एनिमल्स नाइट्रोजनस वेस्ट को डिफरेंट तरह से एलिमिनेट करते हैं। पहले हम लेते हैं फिश को। फिश एक एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि पानी में रहने वाली, इसके पास अच्छा खासा पानी मौजूद है, ये अपना जो वेस्ट है उसे अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकालती है, इसलिए हम इसे कहते हैं अमोनियोटेलिक। दूसरा जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, मैमल वगैरह और एम्फीबियन जो उनसे हैं, खुश्की पे भी रहते हैं, ये ऑर्गेनिज्म अपना वेस्ट मटेरियल यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं यूरियोटेलिक। और थर्ड पे आते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट्स वगैरह, वो छोटे छोटे रहने मुने से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी साइज छोटा होता है, ये अपने वेस्ट मटेरियल को यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं, इन्हें हम कहते हैं यूरिकोटेलिक।
अब एक बात आपने याद रखनी है कि ये तीनों ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरह से नाइट्रोजन स्पेस को एक्सक्रीट कर रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में शामिल कर दिया है। यहाँ पे आपके पास जो ये NH3 अमोनिया का फार्मूला, यूरिया का फार्मूला और यूरिक एसिड का फार्मूला, ये फार्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए, इनको आपको ड्रा करना आना चाहिए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड, आपने देखा कि हमने नाइट्रोजनस स्पेस में देखा हमारे पास अमोनिया है, नाइट्रोजन है, अमीनो एसिड्स हैं। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिसके जरिए नाइट्रोजनस स्पेस को बाहर निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, ट्राईमिथाइल अमाइनोक्साइड, प्यूरिन और पायरिमिडीन, ये भी कुछ वेस्ट मटेरियल हैं जो कि बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। आगे आपको बताया जाता है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन, ये दो आपकी रिंग्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, आप डीएनए में इनको पढ़ चुके हैं। इनके ब्रेकडाउन से कुछ कंपाउंड बनते हैं जिनका नाम है हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटाइन, यूरिया एंड अमोनिया। ये कुछ वेस्ट मटेरियल हैं जो कि प्यूरिन और पायरिमिडीन की ब्रेकडाउन से बनते हैं। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट, हर एक प्रोडक्ट का अपने अपने हैबिटेट से कोई ताल्लुक होता है। जैसे कि हमने देखा कि जो फिशेज हैं, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, वो अमोनिया सिक्रीट कर रहे हैं, ये खुश्की पे रहने वाले यूरिया सिक्रीट कर रहे हैं, और हवा में उड़ने वाले और इंसेक्ट्स जो हैं वो यूरिक एसिड सिक्रीट कर रहे हैं। बट इसकी वजह ये होती है कि हर ऑर्गेनिज्म पे उसका माहौल बहुत ज्यादा असर कर रहा होता है। अब फिशेज को वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है और वो इस ज्यादा पानी का फायदा उठा के अपने वेस्ट मटेरियल को अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, अमोनिया बहुत जहरीला है और ये बॉडी में जमा नहीं कर सकते हम, इसको कलेक्ट नहीं कर सकते बॉडी में, इसको बॉडी में लो कंसेंट्रेशन में होना चाहिए और इसकी रिमूवल के लिए ज्यादा पानी भी चाहिए है। इसी तरह से ऐसे एनिमल्स जैसे कि फ्रेश वाटर में एनिमल ऑर्गेनिज्म है जिनको ज्यादा पानी मैसर है, वो अपना वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 500 ml पानी रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको पानी की ज्यादा सारी अमाउंट मौजूद है, अवेलेबल है, वो तो इजीली अमोनिया को निकाल लेंगे, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो के वाटर की शॉर्टेज का जिन्हें पहले ही सामना है, वो अमोनिया को बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो अपने इस वेस्ट मटेरियल को एक लेस टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जिसका नाम है यूरिया, और फिर इसको यूरिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूरिया जो है वो उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत कम वाटर की जरूरत है और उसकी अमाउंट है 50 ml, यानी कि 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए जस्ट 50 ml चाहिए और 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 500 ml रिक्वायर्ड है। तो इससे हमें मालूम होता है कि यूरिया एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जिसको हम कंपैरेटिवली कम वेस्टेज से रिमूव कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें वाटर की शॉर्टेज का बहुत ही ज्यादा सामना है, जिन्हें पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जैसा कि बर्ड्स की बॉडी में पानी कम होता है ताकि उनका वजन कम हो और उन्हें फ्लाइट करने में आसानी हो। तो बर्ड्स ने अपने वेस्ट मटेरियल को एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया है जिसका नाम है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की खास बात यह है कि 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ml वाटर की जरूरत है। तो हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने पानी की अवेलेबिलिटी के मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई किया है और अपने आप के डिफरेंट तरह से उन्होंने अपने मैटर रखे हुए हैं। नेक्स्ट द यूरिया साइकिल, अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द यूरिया। ये कन्वर्जन कैसे होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए याद आती है 2 मार्क्स की, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये डायग्राम बनाना लाजमी आनी चाहिए। तो ये एक साइकिल आपको नजर आ रहा है, यूरिया साइकिल। पहली बात तो ये साइकिल क्या होता है याद रखिएगा, साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जो जहां से स्टार्ट लेता है वहीं पे आके खत्म हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं साइकिल, और यूरिया साइकिल क्योंकि इस साइकिल में यूरिया बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल का आगाज होता है सिट्रुलिन से। सिट्रुलिन से पहले आपके पास एक कंपाउंड है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन एक प्रिकर्सर है जो कि पहले से मौजूद होना चाहिए। ऑर्निथीन कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमाइनो एसिड के एक मॉलिक्यूल से जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कार्बामाइल। अमाइनो एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ऑर्निथीन से मिलते हैं और एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं सिट्रुलिन। सिट्रुलिन के अंदर एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल आता है, NH3 का एक और मॉलिक्यूल इसके अंदर एड हो जाता है और ये बनता है आर्जिनिनोसक्सिनेट। आर्जिनिनोसक्सिनेट कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में, एंड आर्जिनिन को
कन्वर्ट करवा देता है आर्जिनेज, ये एक एंजाइम है आर्जिनेज, जो कि आर्जिन को कन्वर्ट करवाता है यूरिया में, यानी कि अब हमारा जो अमाइनो एसिड था, हमारे अमोनिया के दो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो चुके हैं यूरिया के एक मॉलिक्यूल में, और ये काम करवाया है आर्जिनेज एंजाइम ने, और इसके बाद हमारे पास यूरिया बनी और दोबारा से ऑर्निथिन बन गया जो कि हमने पहले यूज किया था। अब ये ऑर्निथिन दोबारा से किसी के साथ मिलेगा और दोबारा से इस सेक्शन में चलाएगा और हमारा यूरिया साइकिल दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने जो बात की थी, अमोनोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना वेस्ट मटेरियल अमोनिया की फॉर्म में सीक्रेट करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। यूरियोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म अपना वेस्ट मटेरियल यूरिया की फॉर्म में करते हैं, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में शामिल है। यूरिकोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड की फॉर्म में सीक्रेट करते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल इस कैटेगरी में शामिल है। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, हम कुछ एनिमल्स को पढ़ेंगे कि उनमें एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कुछ इनवर्टिब्रेट्स की, सिंपल ऑर्गेनिज्म की। हमारा रूल ये होगा कि हम सिंपल से टफ की तरफ जाएंगे। सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म अमेबा है, एक सेल पे मुश्तमिल है। इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, वो सिंपली सेल से बाहर डिफ्यूजन कर देता है और सेल से बाहर निकल आता है एक मेम्ब्रेन के जरिए। अमोनिया और वाटर भी इसमें से निकल आते हैं एक वैक्यूल के जरिए, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल है जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी है। अमेबा की बॉडी पे इस तरह के काफी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसमें सारा वाटर जो है वो बाहर की तरफ पंप आउट कर दिया जाता है। हाइड्रा एक सोलेंट्रेट है, आपने इसको पार्ट वन में पढ़ा था। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर कुछ टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। इसकी एक ही ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर ओपनिंग। ये इसी ओपनिंग के जरिए पानी को अंदर लेके जाता है और पानी को बाहर भी निकालता है। इसका वेस्ट मटेरियल इस ओपनिंग के जरिए अंदर और बाहर जाता है। इसके अलावा जो सेल्स बाहर से करीब है वो बाहर की तरफ से अपने वेस्ट को डिफ्यूज कर देते हैं, और जो सेल अंदर की तरफ है वो अंदर अपना वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज करते हैं। थर्ड ऑर्गेनिज्म इज फ्लैटफॉर्म। फ्लैटफॉर्म प्लेटी हेलमेंटस से बिलोंग करता है। इसकी शेप जो है वो एक चिपटे जानवर की नुमा होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लैटफॉर्म। फ्लैटफॉर्म के अंदर स्पेशल सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अर्थफॉर्म के अंदर, अर्थफॉर्म आप सब जानते हैं केंची को कहते हैं। अर्थफॉर्म के अंदर भी सिस्टम है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडिया, और ये नेफ्रीडिया की मदद से डिफ्यूजन के जरिए अपनी मॉइस्ट स्किन के जरिए अपने वेस्ट मटेरियल को और गैसेस को बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब हम डिस्कस करें फ्लेम सेल को, जो हमने पीछे जिक्र किया। फ्लेम सेल एक खास किस्म का सेल है जो कि एक्स्ट्रा पानी और वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालता है। अब वजह यह है कि इसका फ्लेम सेल नाम क्यों रखा गया। फ्लेम सेल का नाम इसकी खास सेल की वजह से रखा गया है क्योंकि इसके अंदर एक सीलिया का ग्रुप है, आपको ये पर्पल कलर में नजर आ रहा है, सीलियाज का एक ग्रुप है, बंडल है। ये सीलियाज वाइब्रेट करते हैं, ये सीलियाज मूव करते हैं आगे और पीछे। जब ये सीलियाज मूव करते हैं तो इनके मूव करने से माइक्रोस्कोप में हमें एक ऐसा नजर आता है फ्लेम नुमा स्ट्रक्चर नजर आता है। इस तरह से अगर एक मोमबत्ती को हवा में रखा जाए तो एक फ्लिकरिंग फ्लेम, टमटमाता हुआ शोला नजर आता है, तो इस फ्लिकरिंग फ्लेम की वजह से हम इसको फ्लेम सेल कहते हैं। और एक्चुअली इसी सीलिया की वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो फ्लूड है वो फिल्टर होता है और फिल्टर होकर इस ओपनिंग में से बाहर जाता है और आपकी बॉडी से जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिज्म है अर्थवर्म। अर्थवर्म किस तरह से एक्सक्रीट करता है हम देखेंगे। अर्थवर्म के पास जो सिस्टम मौजूद है हम कहते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया की दो ओपनिंग्स होती हैं, एक ओपनिंग होती है जी सीलिएटेड ओपनिंग और दूसरी ओपनिंग होती है, इस सीलिएटेड ओपनिंग को हम कहते हैं नेफ्रीडिया, या इस सीलिएटेड ओपनिंग को हम कहते हैं नेफ्रीडियोस्ट्रोम। मजे की बात यह है कि ये नेफ्रीडियोस्ट्रोम जो है वो अपने चैम्बर से पहले वाले चैम्बर में खुलती है, और इसके साथ जो इसकी दूसरी ओपनिंग है जो कि पोर की शक्ल में है, आपको यहां नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं नेफ्रीडियो पोर। अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, सीलिएटेड ओपनिंग जो है वो सीलिया की वाइब्रेशन से इस बॉडी से तमाम जो वेस्ट मटेरियल से कलेक्ट कर लेती है और कलेक्ट करके इस पाइप में चला जाता है, और इस पाइप के अंदर ये मूव करता है, इसमें सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होती है। इसके बाद ये वेस्ट मटेरियल यहाँ रह जाता है, काम की चीजें सारी रीअब्सॉर्ब हो जाती है और ये वेस्ट मटेरियल इस पोर के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं नेफ्रीडिया। चूंकि अर्थवर्म जो है वो एनिलिडिया है, ये कंपार्टमेंट्स हैं इसकी बॉडी में, आप देख सकते हैं इसकी बॉडी में डिफरेंट सेल्स नुमा कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, हर कंपार्टमेंट का अपना सिस्टम है। तो ये जो अर्थवर्म है ये अपने हर कंपार्टमेंट के अंदर अलहदा से एक एक्सक्रीटरी सिस्टम रखता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडिया। इसके बाद हम बात करते हैं कॉकरोच की। कॉकरोच भी एक आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट है। इसमें कैसे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, इसमें कुछ खास किस्म के ट्यूब्स हैं जिसे हम कहते हैं मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। मेलपिजियन ट्यूब्यूल जो हैं वो वेस्ट मटेरियल को होमल लिम्फ से निकालती हैं। अर्थवर्म के अंदर, हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच के अंदर ब्लड नहीं पाया जाता। अगर आप कभी कॉकरोच को मारे तो उसमें से एक व्हाइट कलर का फ्लूड नजर आता है,
और उसका कलर व्हाइट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल नहीं होती। तो इस व्हाइट कलर के फ्लूड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ। अर्थफॉर्म और कॉकरोच का जो तमाम वेस्ट मटेरियल है वो इसी हीमोलिम्फ में पाया जाता है और मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स इस हीमोलिम्फ के अंदर तैर रही होती हैं। ये हीमोलिम्फ डिफ्यूजन के जरिए अपने वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है इन मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर और ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए बॉडी के एनस से बॉडी के तमाम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कॉकरोच है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में सॉलिड वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करता है। ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा है जो कि हमने पार्ट वन में डिटेल में डिस्कस भी किया था और इसके कुछ पोर्शन है और इसी के साथ मेलफिजियन ट्यूब्यूल अपना काम परफॉर्म कर रहा है। देन एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, अभी हमने देखा कुछ इनवर्टिब्रेट्स को, ये कुछ सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं। अब हम देखते हैं वर्टिब्रेट्स को। वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेगमेंटली अरेंज होते हैं और उनकी बॉडी के तमाम स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली अरेंज होते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर एवोल्यूशन के बाद किडनी बने हैं। किडनी स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करते हैं और उसे यूरिन की शक्ल देते हैं और यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इन किडनीज के अंदर एक बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेंगे, जैसे कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। इस तरह से एक किडनी है, इस किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स अरेंज होते हैं डिफरेंट एरियाज में और ये नेफ्रॉन्स अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम करते हैं और यूरिन की प्रोडक्शन करके इसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ वेस्ट मटेरियल पता चलेंगे। वेस्ट मटेरियल आते कहाँ से हैं? नॉर्मल मैकेनिज्म यही है कि तमाम जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे मेटाबॉलिक लेवल पे होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत से रिएक्शन चल रहे हैं। ये तमाम रिएक्शन जो हैं, ये तमाम जो रिएक्शन हमारे पास मौजूद हैं, ये रिएक्शन के सिलसिले में कुछ बायो प्रोडक्ट्स बनती हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यूरिया जो सा है, यूरिया बनता है अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से। क्रिएटिनिन जो है वो मसल क्रिएटिंग प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से बनती है। यूरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है। बिलीरुबिन जो प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बनती है। इसके अलावा कुछ टॉक्सिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जो बॉडी में चले जाते हैं, जैसा कि ड्रग्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ फूड कलर्स होते हैं जो हम खाते हैं, जो लो क्वालिटी के फूड कलर्स होते हैं, इनको भी हमारी बॉडी तोड़ फोड़ के वेस्ट में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर रिमूव करवाती है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हमारी बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। आमतौर पर हम यही समझते हैं कि हमारी बॉडी में सिर्फ किडनी है जो कि एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं। डेफिनेटली यूरिन किडनीज में ही बनता है, लेकिन इसके साथ साथ लीवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में। वो कैसे, वो हम अभी देखेंगे। लीवर के बहुत से फंक्शंस हैं। जो लीवर का मेजर फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिक कंपाउंड, कोई जहरीला कंपाउंड चला रहता है खुराक के साथ या वैसे, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का जो काम है वो लीवर के पास है। लीवर बहुत सी वेस्ट मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करके उन्हें बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा लिपिड अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, या अपने अंदर विटामिन मिनरल और शुगर को स्टोर करता है। अगर ये एक्स्ट्रा होंगे तो इन्हें भी बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाएगा। लीवर को बॉडी का मेटाबॉलिक स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, यहाँ पे बहुत सी ब्रेकडाउन हो रही होती है और ब्रेकडाउन होकर एनर्जी बन रही होती है। तो यहाँ पे जब ब्रेकडाउन होगी तो वहां पे भी कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं। प्रोड्यूसेस मोस्ट प्रोटीन नीडेड बाय बॉडी। आपकी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन चाहिए वो ज्यादातर जो प्रोटीन है वो इस लीवर में ही बनती है। इसके अलावा लीवर आपकी बॉडी से इन्फेक्शन को लड़ने में मदद देता है, आपकी बॉडी से इन्फेक्शन को दूर करता है और आपकी बॉडी का जो रेगुलेट ब्लड क्लोटिंग, आपका खून जमने का जो मैकेनिज्म है, क्लोटिंग का जो मैकेनिज्म है, उसे भी लीवर मेंटेन करवाता है। सबसे आखिरी लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन बाइल। लीवर एक कंपाउंड या एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट फैट्स को और विटामिन ए डी के ई को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये एक लीवर जो हमारा ऑर्गन है, इसके मल्टीपल फंक्शन है, इसके बहुत से फंक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे चैप्टर के रेफरेंस से है वो यही है कि लीवर का फंक्शन आपके वेस्ट मटेरियल को, यानी कि एक्स्ट्रा चीजों को एक्सक्रीट आउट करवाने में भी होता है। उसके बाद एक बड़ा मजे का इन्फॉर्मेशन है स्किन। यहां पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, और याद रखिएगा आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। अक्सर आप आंसर करते हैं कि लेग है या आपका लंग है, कोई ऐसी बात करेंगे तो ये बात गलत है, जबकि सबसे जो बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है। क्या वजह है उसकी?
क्योंकि स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जिसने आपने आपकी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। तो अगर आपके सरफेस एरिया को देखा जाए और वॉल्यूम को भी देखा जाए तो स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लेकिन मजे की बात यहाँ पर यह है कि स्किन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। स्किन के पास कुछ फिनोमेना मौजूद हैं जैसा कि पर्सपिरेशन, पसीना आने का अमल। स्किन इस पर्सपिरेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करके बहुत से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करती है, जैसा कि पर्सपिरेशन के दौरान आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल, वाटर और उसमें साल्ट वगैरह जो है वो बॉडी से बाहर निकल आते हैं थ्रू स्वेट ग्लैंड, स्वेट के जरिए। तो ये भी एक मेथड है एक्सक्रीशन का। इसके अलावा स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। ये सेबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करते हैं और इस सीबम के अंदर भी कुछ वेस्ट मटेरियल मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ये स्किन जो है ये भी आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने का काम करती है। लेकिन इन जो चीजें हैं, ये जो सीबम है या स्वेट ग्लैंड है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन इसका एक्सक्रीशन नहीं है। प्राइमरी फंक्शन बॉडी को ठंडा करना या पैथोजन से प्रोटेक्शन है सीबम की। तो इसका इसीलिए हम कहते हैं कि स्किन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली एक्सक्रीशन में काम जरूर करती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो यूरिया आपकी बॉडी में बना, जो आपका मेन वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया, वो यूरिया भी आपके लीवर में ही चलता है। हमने अभी बात की थी यूरिया साइकिल की, तो एक्चुअली जो यूरिया साइकिल है वो भी आपके लीवर में हो रहा है, यानी कि आपके यूरिया प्रोडक्शन में लीवर का रोल है। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है जो कि बताएगा हमें लीवर के क्या क्या फंक्शन है होम्योस्टेसिस के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर का फंक्शन है जी सिंथेसिस, यानी कि तैयार करना, पैदा करना। सिंथेसिस मीन पैदा करना। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तमाम चीजें यहीं पैदा होती हैं। इसका काम क्या है? किडनी को मदद मिलती है इन वेस्ट को, इन वेस्ट चीजों को बॉडी से एलिमिनेट करने में। नंबर टू, प्लाज्मा प्रोटीन जैसा कि प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये भी लीवर में बनती हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग में और ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प देती हैं। बाइल पिगमेंट, ये भी प्रोटीन या पर पिगमेंट है, ये भी लीवर में बनता है। इसका फंक्शन क्या है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फैट्स की जो हाई मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें इमल्सीफाई करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन, ये भी लीवर में बनती हैं, ये आपकी ब्लड केमिस्ट्री को रेगुलेट करती हैं। इसके अलावा एनर्जी स्टोर करने में भी हेल्पफुल होती है। स्टोरेज, आपका लीवर बहुत सी चीज़ों को स्टोर भी करता है, जैसे कि आयरन है, आयरन को स्टोर करता है और ये आयरन आगे आपके टिश्यूज की अंदर ऑक्सीजन में काम आएगा। कैसे काम आएगा? आपका हीमोग्लोबिन, आपको पता है कि ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, और इस हीमोग्लोबिन के प्रॉपर फंक्शन के लिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है स्टोरेज वो है ग्लाइकोजन की। हम जो ग्लूकोज खाते हैं अगर वो एक्स्ट्रा हो तो वो आपके लीवर कन्वर्ट करता है उसे ग्लाइकोजन में और वो स्टोर कर दी जाती है आपके सेल्स में और लीवर के अंदर भी होती है। उस तरह से ये एनर्जी रिजर्व के तौर पर आपके सेल के अंदर स्टोर भी रहती है। थर्ड थिंग इज कन्वर्जन। आपका लीवर आपकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, लैक्टिक एसिड में, या फिर ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करने और उसको दोबारा यूज करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज द यूरिनरी सिस्टम। हमारा ऐसा सिस्टम जो कि हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को पास करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इस सिस्टम को हम नाम देते हैं यूरिनरी सिस्टम। इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पोर्शन या कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किडनी शामिल है, किडनी, उसके बाद इसमें यूरिटर शामिल है। किडनी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, यूरिटर ये पाइप्स हैं जो कि किडनी से यूरिन लेके ब्लैडर तक पहुंचाते हैं। आगे ब्लैडर मौजूद है जो कि यहाँ आपको नजर आ रहा है। तो ये हम बात कर रहे हैं जी यूरिनरी ट्रैक की, यानी कि यूरिनरी सिस्टम की। तो यहाँ पे हमारे पास किडनीज मौजूद हैं, ये यूरिटर हैं, वो पाइप्स हैं जो कि किडनी से यूरिन को लेके जाएंगे और इस ब्लैडर में स्टोर करवाएंगी। और फाइनली यहाँ पे एक यूरिथ्रा है जहां से आपके यूरिन को बॉडी से पास आउट किया जाता है। तो यहाँ पे एक स्पिंचर आपको नजर आ रहा है, स्पिंचर वो वॉल्व होता है जो कि आपको यूरिन कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है, और एट द सूटेबल टाइम ये स्पिंचर आप रिलीज करते हैं और इससे यूरिन को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक यूरिनरी सिस्टम है, इसके फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे रेड और ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये एक्चुअली आर्टरीज और वेन्स हैं। रेड पाइप्स यानी कि आर्टरीज के जरिए जो ब्लड है वो किडनीज में आता है और ब्लू पाइप के जरिए जो ब्लड है ये वापस चला जाता है। इसके अलावा ये यूरिटर येलो में आपको नजर आ रहे हैं, ये यूरिटर जो है ये यूरिन को लेके ब्लैडर तक पहुंचाते हैं और यूरिथ्रा इसको बॉडी से बाहर पास आउट कर देता है। यूरिनरी सिस्टम का जो फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन है इसका रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकाला जाएगा। स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन को स्टोर किया जाएगा। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, इसके अलावा ब्लड की पीएच को मेंटेन करना और ब्लड के अंदर या आपके बॉडी के फ्लूइड के अंदर वॉल्यूम को मेंटेन करना।
किडनी का जो वॉल्यूम है या किडनी आपके बॉडी का ओनली 1% है बाय वेट. अगर देखा जाए तो किडनी बहुत छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन ये आपकी बॉडी का 20% ब्लड रिसीव करता है. उसकी वजह ये है कि किडनी के पास ब्लड आता है और यहां से साफ होके आगे वापस जाता है, हर जगह तक पहुंचता है. तो इसलिए किडनी अपने छोटे साइज के बावजूद ज्यादा सारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो रिसीव करता है. किडनी हैव होमोस्टैटिक फंक्शन. किडनी का क्या फंक्शन है? किडनी के पास ये फंक्शन है कि इसने अंदर एक कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करवाना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर कोई कमी बेशी या कोई चेंजेस वगैरह ना आते हों. यहाँ पर आपको किडनी का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये किडनी का एक कटेड स्ट्रक्चर है. इसमें आप आर्टरीज और वेन देख सकते हैं. ये आपको कुछ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं पायरामिड्स का. ये पायरामिड जो है ये एक्चुअली नेफ्रॉन्स के बने हुए हैं. नेफ्रॉन्स हमने कहा था कि यूनिट है हमारे किडनी का और यही बेसिकली यूरिन की प्रोडक्शन में काम करता है. किडनी के आउटर पोर्शन को हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स और जो इनर पोर्शन है इसे हम कहते हैं रेनल मेडुला. और इस दोनों पोर्शंस का सेपरेट काम है. वो यूरिन जो के रेनल कॉर्टेक्स से बनता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और वो यूरिन जो के मेडुला से बनता है वो डिल्यूटेड होता है. इसी तरह से ये यूरिन बनता है और ये बनके एक बड़ी मेन ट्यूब में आता है जिसको हम कहते हैं यूरिटर. रेनल पेल्वस में आता है, यहाँ इस एरिया को हम कहते हैं रेनल पेल्वस, और इस एरिया से होते हुए ये एक पाइप में रहता है जिसको हमने आगे नाम दिया था यूरिटर का. अब हमारे पास एक यहाँ पे एक और डायग्राम है जो कि हमें दिखा रही है कि किडनी की क्या स्ट्रक्चर्स हैं. अगेन यहाँ पे आपको रेनल कॉर्टेक्स नजर आ रहा है, रेनल मेडुला नजर आ रहा है, रेनल पेल्विस नजर आ रहा है. मजे की बात यहाँ पे यह है कि यहाँ आपको रेड एंड ब्लू कलर में आर्टरीज और वेन का एक नेटवर्क नजर आ रहा है. तो यही वो आर्टरीज और वेन्स हैं जो कि हर नेफ्रॉन तक ब्लड की सप्लाई को मुमकिन करती हैं, और ब्लड की सप्लाई हर नेफ्रॉन तक जाके उसकी वॉशिंग करती है. अगेन यहाँ पे किडनी की एक डायग्राम है जो कि एक रियल डायग्राम है. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे ये नेफ्रॉन्स हैं, इनके स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं. तो ये रेनल आर्टरी है जो कि ब्लड लेके अंदर जा रही है, और ये वेन ब्लड लेके बाहर आ रही है. दिस इज द पेल्विस रीजन जहाँ पे तमाम नेफ्रॉन्स का बनाया हुआ है. यूरिन कलेक्ट होगा और कलेक्ट होने के बाद यूरिन यूरिटर के थ्रू बाहर जाएगा. वुमेन एक्सक्रीटरी सिस्टम अगेन किडनी और दो यूरिटर्स और एक ब्लैडर के ऊपर मुश्तमिल है. हर किडनी के अंदर जो एक्चुअल प्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो नेफ्रॉन है. तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि एक किडनी का नेफ्रॉन किस तरह का है. अभी इस नेफ्रॉन को हम आगे डिटेल में देखेंगे नेफ्रॉन क्या होता है. नेफ्रॉन्स की क्या टाइप्स हैं? दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. आपको मैंने अभी बताया कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो हैं वो कॉर्टेक्स के पास है, यानी कि किडनी की आउटर पोर्शन की करीब है, और ज्यादातर जो नेफ्रॉन्स हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही हुआ करते हैं. जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स हैं जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पे मौजूद हैं, इन दोनों के दरमियान मौजूद हैं. इसी तरह से एक थर्ड जो टाइप हमारे पास आती है वो बेसिकली है हमारी मेडुलरी नेफ्रॉन. तो ये सारे जो नेफ्रॉन्स हैं ये अपनी अपनी स्पेशल कैटेगराइजेशन रखते हैं, और इनके कुछ स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं.